नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज आप हमारे खेत में हैं और यहाँ पर आपको दो मेड़ और उनके बीच में पानी दिखाई दे रहा होगा। ऐसा आपको पूरे के पूरे खेत में दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं पेठे की खेती। 2.5 एकड़ का प्लाट ये है जिसके अंदर अभी हमने पेठा जो है वो बो दिया है। पेठा जिसका मिठाई बनती है, वो वाला पेठा, सफेद पेठा जिसे कहा जाता है, तो वो हमने यहाँ पर बो दिया है। इसके बाद में 1 महीने बाद इस खेत में इधर के 2.5 एकड़ जो है इसके अंदर बोएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 5 एकड़ भूमि में इस बार हम पेठे की खेती करने जा रहे हैं। पेठे की खेती करने का जो तरीका है वो मैंने आपको कई बार बताया और हमारे एक एक्सपर्ट डॉक्टर भी आए थे, उन्होंने भी बताया, उन्होंने इसकी शुरुआत की हमारे एरिया में। तो आज हम भी अपने खेत में ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। तकरीबन ये मान लीजिए कि हमने 12 मई के आसपास ये पेठा जो है लगाना शुरू कर दिया। अब ये लगाया कैसे, कौन सा बीज है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऐसी मेड़े हर 10 फीट पे, आपको बीच में 10 फीट की जगह और मेड़ जो है इस तरह से बनी हुई दिखाई देंगी। तो ये है बीज, हमने ये माइको का कोई बीज है। मैं आपको सारी जेन्युइन जानकारी दूंगा क्योंकि मैंने ये खुद ही मंगाया था सारा। तो इसके ऊपर वैसे तो प्रिंट रेट जो 50 ग्राम का एक पैकेट होता है 392 रुपीज़ दिया हुआ है, लेकिन ये हमें टोटल 20 पैकेट हमने मंगाए थे 50-50 ग्राम के, और ये 5400 रुपये में हमें मिले। ऑनलाइन मैंने मंगवाने का प्रयास किया तो वहाँ पे काफ़ी महंगे मिल रहे थे, इसलिए किसी डीलर से लिए तो वहाँ से 5400 रुपये में मिल गए। इस वेराइटी का नाम है माइको MAHY1, ठीक है, हाइब्रिड एशगॉर्ड सीड। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए और पीछे कुछ इस तरह से लिखा होगा। अंदर जो बीज है वो कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। अब हमने क्या किया, 10-10 फीट का दूरी बीच में छोड़ के और ये लगा दिए। अब जैसे ये दो मेड़ है, यहां पर 1-1 फीट की दूरी से ऐसे हमने 1-1 फीट की दूरी से जो बीज है वो लगा दिए, और उधर वाली साइड भी 1-1.5 फीट की दूरी से हमने बीज लगा दिए। 1 फीट रखना है, 1.5 फीट रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे हमने इसमें थोड़ा हाई डेंसिटी में किया है इसलिए 10 फीट की दूरी रखी है, वरना लोग इसके अंदर 15 फीट की दूरी रखते हैं। हमने 1-1 फीट के ऊपर लगाया है, लोग लगभग 2 फीट के ऊपर लगाते हैं, तो हमने हाई डेंसिटी में किया है, नॉर्मल बात है। अब रही बात की इन बीजों को लगाने का कौन सा यंत्र हमारे पास है, तो एक तो हाथों से भी लगाया जाता है, और दूसरा एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये पिस्तौल टाइप है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इस तरह से बीज लिया, इस तरह से जैसे हमने बीज ले लिया, और बीज लेने के बाद मैं इस बीज को एक बार जेब में डाल लेता हूँ पैकेट को। जैसे बीज लिया और इस बीज को, ये पास आके दिखा दो, जैसे हमने यहाँ पे रोप दिया इस तरह से, और अंदर इसके बीज डाला, और फिर इसको ऐसे किया, बीज जो है वो अपने आप इसके अंदर जो जाके लग गया। तो इस तरह हम जो है इस बीज को लगा रहे हैं। और आपको एक चीज बता दूं कि हमने पहले सूखी जमीन को अच्छे से जोत लिया, रोटावेटर से अच्छे से जोत के मेड़ बनाकर, और फिर उसके बाद में इन मेड़ों के अंदर वाली साइड, इस साइड यहाँ पे हमने बीज लगा दिए, और बीज लगाने के बाद इसके अंदर पानी छोड़ दिया। अब पानी देखो बहुत ही बेल के अंदर अंदर बस इस तरह से पानी लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पानी की वेस्टेज यहाँ पे नहीं हुई। और दूसरा, यहाँ पर जब आगे गर्मी पड़ेगी, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, इसलिए इस तरह से ये मेड़ों के बीच में हमने पानी छोड़ दिया। एक चीज और बता दूं, बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये आपका लगभग 2.5 एकड़ लंबा जाता है, तो तकरीबन 220 फुट के करीब, अगर मतलब लगभग आप मानेंगे कि ये 500 फीट के करीब ऐसे लंबा जा रहा है, तो पानी आगे एंड में ऊपर चढ़ेगा या नहीं, तो ये हमारा लेवल किया हुआ पूरा खेत है। लेकिन इसके अंदर भी हमने क्या किया, अंत में जाके जो है मेड़ों को इस तरह से घुमा दिया, गोल घुमा दिया, एक मेड़ दूसरी मेड़ से जुड़ी हुई है, तो अगर किसी में पानी कम भी रह जाता है तो दूसरी मेड़ का आके उसमें पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हमने पूरे खेत में जो है ये पेठा है ये लगाया है। और इस पेठे को लगाने का जो आप समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है इसके पीछे की, तो सिंपल इकोनॉमिक्स ये है इसके पीछे की कि अगर ये इतना सा रह गया और कोई बीमारी आ गई, वायरस आ गया, तो ये 2 रुपये किलो बिकेगा। अगर ये इतना बड़ा साइज हो गया और हम इसको
अक्टूबर तक होल्ड करके रख लिए तो ये 20 रुपए किलो भी बिक सकता है। और अगर बाजार पूरे मंदे हुए, मिठाई की बिक्री कम हुई, तो ये 8 रुपए किलो बिक सकता है। इससे कम 8 रुपए किलो से कम अच्छा साइज का जो पेठा है वो नहीं जाएगा। हाँ, 22 रुपए से ऊपर भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा एक साथी है जिसने लगभग 4-5 साल से लगातार इस खेती को किया है, तो उन्होंने बताया कि जैसे कोरोना के टाइम में दीपावली बहुत मंदी थी, तो उस वजह से जो बाजार के अंदर पैसा नहीं था, लोग मिठाइयाँ भी कम खरीद रहे थे, सेलिब्रेशन भी कम थे, उस वजह से पेठे की बिक्री कम हुई थी। तब उन्होंने 8 रुपए किलो के हिसाब से वो कच्चा पेठा यहाँ से, मतलब यहाँ से अपने खेत से बेचा था। लेकिन उसने ये भी बताया था कि जिस साल अच्छा बाजार था उस साल उन्होंने 22 रुपए किलो भी जो है पेठा बेचा था। तो कुल मिलाकर हमारी यही, मतलब इसने इकोनॉमिक्स कहती है कि 8 रुपए से कम नहीं जाएगा। हाँ, बीमारी आ गई तो फिर कुछ बचने वाला नहीं। अगर बीमारी आएगी तो हमें 1-2 महीने में पता चल जाएगा, जब छोटे छोटे पेठे बनेंगे तो वो सिकुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो हम इसको जोत देंगे और जितना भी अंदर इसके ग्रीन मैन्योर होगा वो फिर काम आ जाएगा, और इसके बाद में आप जो है जो 60 दिन का चावल होता है वो भी लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस इकोनॉमिक्स के साथ हमने इसकी बुआई की है। बाकी देखते हैं, किसान हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। और बाकी हमने खेत के अंदर लगभग 40 एकड़ के करीब जो है कपास की बुआई कर दी है। ये जो सामने 10 एकड़ का प्लाट है ये भी कपास का है, इससे आगे भी कपास है, तो वो हमने कर दी है। और उसी के साथ साथ कुछ हम सोच रहे हैं कि 15 एकड़ से 20 एकड़ के बीच में धान उगाया जाए, और बाकी जो है वो ग्वार की फसल भी की जाए, क्योंकि ग्वार के ऊपर बाद में जो है गेहूं जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। और धान का ऐसा है कि जितनी मोटरें हैं आपके पास, जितने पानी के संसाधन हैं, उसके हिसाब से आपको धान उगाना होता है। तो ये है हमारे खेत के जो इकोनॉमिक्स, क्रॉप रोटेशन हम करते रहते हैं। खैर, देखते रहिए ABC इंडिया।